अच्छा है, पर्सनल बेस्ट और नेशनल रिकॉर्ड हुआ, बढ़िया है। मतलब पर्सनल बेस्ट है तो इसका मतलब अच्छी बात ही है, अपने से हमने बेस्ट किया अपने खुद से, तो वही सबसे बड़ा मैं बोलता हूँ कि हाँ वही टारगेट होता है कि खुद से बेस्ट करना, वही हर एथलीट के लिए मुझे लगता है सबसे अच्छी बात होती है जब वो अपना बेस्ट करता है। काफ़ी अच्छी फीलिंग थी, और 10 महीने का काफ़ी लंबा टाइम था कंपटीशन खेले हुए ओलंपिक के बाद, और काफ़ी बढ़िया रहा। बस ज़्यादा कुछ दिमाग में नहीं था, बस यही था कि भाई कैसे ट्रेनिंग वगैरह में जो भी हम जिस चीज़ पर फोकस कर रहे हैं अपनी टेक्निक पे, उस पर थोड़ा ध्यान रखना है और उसी को ध्यान में रख के थ्रो करनी है। ठीक हुआ, मतलब कुछ थोड़ा पॉइंट था जो सही डायरेक्शन में नहीं लग पाई थ्रो, अंदर की साइड ज़्यादा जा रही थी, पर ठीक था फिर भी एफर्ट की उससे काफ़ी मतलब ठीक लगी थ्रो। नहीं, एक्सपेक्टेशन तो मतलब वही है कि 2018 से ऐसा लगता है कि भाई हाँ थ्रो लग सकती है 90 मीटर प्लस भी, पर वही है कि बस वो किस दिन लगेगी या क्या किस दिन वो सही डायरेक्शन में थ्रो होगी सही एंगल में, तो उसी दिन हो जाएगा वो तो काम। पर ऐसा कुछ नहीं कि भाई अपने आप से एक्सपेक्टेशन नहीं है। हाँ जी बिल्कुल, अब ओलंपिक चैम्पियन बनने के बाद ये पहला कंपटीशन था और काफ़ी अच्छा कंपटीशन था। मुझे लगता है कि भाई वो सभी बेस्ट जेवलिन थ्रोअर्स थे वर्ल्ड के, और काफ़ी अच्छे से वही मतलब दिमाग की अगर बात बताऊं तो ऐसा कुछ मन में नहीं आया कि भाई प्रेशर बहुत ज़्यादा था मैं ओलंपिक चैम्पियन हूँ, ऐसा कुछ नहीं था। जैसे मैं पहले खेलता था अपना वैसे ही पूरा अपना अच्छे उससे पूरी अपनी तरफ से जोर लगाया, और वही मन में लेके गया था कि बस अपना जब कंपटीशन में हूँ तो उसी चीज़ पे फोकस करना है, ज़्यादा कुछ सोचना नहीं है, क्योंकि बिल्कुल हर एक कंपटीशन अलग होता है, चाहे मतलब ओलंपिक चैंपियन लग पिछले साल, लेकिन हर नेक्स्ट कंपटीशन अलग ही होता है सबसे। अच्छा है, मतलब सीज़न ऊपर इतना बढ़िया हुआ तो वही अच्छा लगा, और सीज़न पूरे सीज़न को लेके एक कॉन्फिडेंस आया मन में कि हाँ आगे और अच्छा कर सकते हैं, और आगे बस यही है कि अभी जो जो कॉम्पिटिशन है ऐसे ही मतलब अच्छे से फोकस करके टेक्निक पे और अच्छे से थ्रो करनी है।